क्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट रोल्स थ्योरम ऑफ कैलकुल मैथमेटिक्स वन सो वट आर द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल एक्स एफ एक्स एक फंक्शन होना चाहिए जो वेरिएबल एक्स पर डिपेंड करता हो सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल ए कॉमा बी दिज इंटरवल आर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स विच मीन्स ए एंड बी बोथ आर इंक्लूडेड फ्रॉम ए टू बी ए से लेकर बी तक जितने भी नंबर्स होंगे उन सारे नंबर्स पर एफ एक्स कंटिन्यूस होगा सेकेंड स्टेटमेंट एफ एक्स इज डिफ्रेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी Fx जो है वो डिफ्रेंशियबल होगा सी बात है कि वो डिफरेंशियल भी होगा अगर वो कंटिन्यूस है ए से बी तक सो थर्ड स्टेटमेंट इफ एफ इज़ इक्वल टू एफ बी देन देयर एक्सिस्ट एट लीस्ट अ पॉइंट सी वेयर एफ डैश सी मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ सी इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब ये है कि अगर इन दो पॉइंट्स ए और बी पर फंक्शन सेम वैल्यू देता है तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी होगा जिस पर एफ डे सी जीरो होगा यानी उसका उस पॉइंट पर डिफ्रेंसिएशन जीरो होगा उस पॉइंट पर स्लोप जीरो होगा सो कंडीशन फर्स्ट क्या एक्सप्लेन कर रही है फंक्शन डज नॉट ब्रेक इन द इंटरवल ए कॉमा बी फंक्शन ए से लेकर बी तक कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है क्योंकि वो कंटिन्यूस है और सेकेंड फंक्शन तो सिंपल है अगर वो कंटिन्यूस है तो वो डिफ्रेंशिएबल भी होगा और थर्ड स्टेटमेंट क्या वो कर रही है इफ एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट आइर इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम ए टू बी अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है तो ए से लेकर बी तक कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जहां पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट पॉइंट इज जीरो, यानी कि स्लोप इस पॉइंट पर जीरो होगा डिफ्रेंसिएशन हमें स्लोप देता है ना सो so, अगर मैं इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू लूंगा तो भी वो इस पॉइंट से कम ही होगी और अगर मैं इस पॉइंट के राइट right साइड में कोई वैल्यू लेता हूं तो भी वो एफ सी से तो कम ही होगा अगर मैं लेता हूं राइट right साइड में तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ये भी less than होगा, और एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी ये भी लेस देन जीरो होगा तो अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच होगा ना यही तो डिफ्रेंसिएशन होता है ना यही तो लिमिट होती है लेफ्ट हैंड साइड और अगर राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बाय माइनस एच वेयर फ्रॉम दिस वेयर फ्रॉम दिस एच कम Uh, F, C plus H minus FC. C plus H minus C. So, DC cancelled and H is remained here. And similarly, minus H is remained here. So, we know that this quantity is negative. So, left hand limit is negative. We know that this quantity is again negative. Therefore, right hand limit is positive because minus in denominator and also minus in numerator. So both are cancelled. So this is not possible because the function is continuous. So f dash c is equal to zero. I hope you understand this theorem.